नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी ट्रैफिक को स्कूली बच्चों के वाहनों के मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि आए दिन दुर्दशा की फोटो वीडियो प्रकाशित होती है। बच्चों को टेम्पू, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा में क्षमता से अधिक ठूस कर ले जाया जाता है। इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। वहीं चालकों द्वारा आए दिन नशे में मोबाइल व ईयरफोन का उपयोग करने से वाहन में दुर्घटना होती है। वाहनों के अनफिट होने से दुर्घटना होती है और ऐसे में यातायात माह चलने के कारण अब उन पर लगाम लगाना जरूरी है। इस दौरान अभिभावक संघ के लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं आजमगढ़ ब्यूरो से राकेश कुमार की रिपोर्ट। अभिभावक संघ द्वारा आज एसपी यातायात को दिया गया है घटना पत्र, क्या मामला है? ये प्रायः देखा जाता है कि जो स्कूलों में टेम्पो, ऑटो, ई रिक्शा चल रहे हैं बच्चों को लेके, इसमें फोर्थ ईयर से लेके छोटे बच्चे हैं 10 साल 11 12 साल तक के लिए, उसमें जिनकी क्षमता 7 सीट की, उसमें 15 बच्चों को 20 बच्चों को बैठा के ले जाते हैं और उनकी गाड़ी का न प्रॉपर फिटनेस है, न उनका कोई बीमा गाड़ी का है, कोई 15 साल पुरानी है, कोई 10 साल पुरानी है। उसके बाद भी ड्राइवर भी नशे में दिखाया जाता है, न उनका कोई डीएल प्रॉपर है, जो ही जहाँ गया ले चल दिया बच्चों को उठा के। उसमें अक्सर दुर्घटनाएँ होती रहती, कभी ऑटो पलट गया, कभी रिक्शा पलट गया। क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जाएगा, जहाँ 7 बच्चे या 15 बच्चे बैठाएंगे, बच्चे तो छोटे छोटे, उनको क्या पता साइड में अलग से टेबल लगा बैठा देते हैं। उसी खिलाफ़ एक अभियान छेड़ा जा रहा है और अभिभावकों को सूचित किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि अपने बच्चों को भी थोड़ा ध्यान दें और ऐसे ऑटो चालक को या ऑटो पर अपने बच्चों को भेजें, जिससे उनका जो है आगे ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। एसपी यातायात द्वारा क्या कहा गया? एसपी यातायात द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया कि हम लोग प्रॉपर इसकी चेकिंग करेंगे और जो भी क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाएंगे उनका चालान काटा जाएगा, उनको बंद किया जाएगा। आश्वासन पूरा मिला इसके लिए।